फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एग्जाम के पर्पस से बना रहा हूँ, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंथेसिस क्या है। फ्रेंड्स, सिंथेसिस पर ये मेरा 7वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि दैट का इस्तेमाल करके कैसे आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन को सीखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जिसमें एक्सेप्ट या डिनाई का सेंस हो, यानी उसमें स्वीकार या अस्वीकार का सेंस हो, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को सिंथेसिस करने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जहां दोनों सेंटेंस पढ़ने पर किसी बात को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट करना या डिनाई करना का सेंस हो, तो इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसिस करने के लिए आप वर्ड दैट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि मैंने दो सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती किया है। आई बिलीव सो, और मैं इसको मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ हुआ है जिसको मैं स्वीकार करता हूँ या जिसको मैं मानता हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस आप दैट के मदद से करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैंने लिखा है, आई बिलीव सो दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसने गलती किया है। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बहुत तेज तर्रार लड़की है। आई डोंट डाउट इट, मुझे शंका नहीं है या मुझे शक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ बताया गया और दूसरे सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि मैं उसको मानता हूँ या इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने पर स्वीकार या अस्वीकार, एक्सेप्ट या डिनाई का सेंस हो, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को सिंथेसिस करने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, आई डोंट डाउट इट, मुझे शक नहीं है दैट कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है, यानी वह एक तेज तरार लड़की है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े आसान तरीके से सिंथेसिस कर पाएंगे, जहां दोनों सेंटेंस पढ़ने पर स्वीकार या अस्वीकार, एक्सेप्ट या डिनाई का सेंस हो। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। ही इज इनोसेंट, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, वह निर्दोष है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है या पूरा यकीन है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ दो ऐसा सेंटेंस है जहाँ किसी बात की होने की स्वीकार की जा रही है या उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को सिंथेसिस करने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे, ही इज इनोसेंट। और हमारा दूसरा एग्जांपल है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ, वह निर्दोष है या बेगुनाह है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है या मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि ये तो ऐसा सिंपल सेंटेंस है जहाँ बताया जा रहा है कि मुझे स्वीकार है या मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये ऐसा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ स्वीकार या अस्वीकार का सेंस हो, तो आप इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस को दैट के मदद से सिंथेसिस करेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट दैट ही इज इनोसेंट, मुझे पूरा यकीन है कि वह मासूम है, वह निर्दोष है या वह बेकसूर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि अगर आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ स्वीकार या अस्वीकार, एक्सेप्ट या डिनाई का सेंस हो, तो आप इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस दैट के मदद से करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।